बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं मुकबिल अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्री मैटर। उम्मीद करता हूं कि सारे दोस्त खैर खैरियत से होंगे। गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फैसला आपने खुद करना है कि आपने जमीन को लेजर लेवल करवाना है नहीं करवाना, जमीन की तैयारी कैसे करनी है। हम अक्सर गुजारिश करते रहते हैं कि जमीन को लेजर लेवल करवाएं, जमीन की तैयारी के दौरान कोई कसर न छोड़ें, इससे काफ़ी ज़्यादा हमारी पैदावार मुतासर होती है। क्योंकि भारिया मकई या मक्की से पैदावार लेने के लिए ज़मीन को हमवार होना और ज़मीन को खूब नरम होना बहुत ज़रूरी है। हमें जब भी कोई भी फसल काश करने जाएं, ज़मीन को अच्छी तरह उसे खोलना चाहिए ताकि पौधा अपनी मर्ज़ी से ज़मीन के अंदर जो खुराक की अज्जा हैं वो अपनी मर्ज़ी से लेता रहे। ज़मीन जितनी खुलेगी, जितनी नरम होगी, ख़ासकर मक्की, उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगी। अक्सर हम बात कर चुके हैं कि हमें 22 इंच का बेड बनाना चाहिए और ये ज़मीन तैयार हो रही है। पीछे आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर जो है वो बेड बना रहा है और बेड 22 इंच का बेड है। तो दूसरा हिस्सा आप देखेंगे वो 20 जनवरी की मक्की काश हुई हुई है, तो उसकी माशाल्लाह जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है। और कुछ 26 जनवरी की काश हुई हुई है, तो उसके अंदर भी बीज जो है ना वो जर्मिनेट होना शुरू हो गया है। तो गुजारिश है कि आप जब भी मक्की काश करें तो जमीन की तैयारी के दौरान कोई कसर ना छोड़ें और फिर एक अच्छी सी वैरायटी लेके और लगाएं और इंशाल्लाह अज़ीज़ आप एक अच्छी और बेहतरीन पैदावार ले लेंगे। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।